すいません。<ス> जयं वॉरियर्स वेलकम टू एम बाइब अचीवर्स नेटवर्क आई एम रोहित ठाकुर एवरी वन आई वेलकम दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ डेली करंट अफेयर्स वंस अगेन चलिए भे क्लास स्टार्ट हो चुके हैं सबके सब, सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स जितने लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें वॉरियर्स जिन्होंने अभी तक एम की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है एम की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एप्पल स्टोर गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं एम पी एप्लीकेशन जहां पे आपको मिलती है ए आई बेस्ड लर्निंग हर चीज़ जो है आप लोगों के लिए वहां पे वॉरियर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है जैसे ही आप अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं वहां पर जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो डिफेंस में यूपीएससी पी एस सी डी एस एन डी एफ कैट एस एस सी सी जी एल सी एच एस एल रेलवे या फिर किसी दूसरे बैंकिंग एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही हमारे लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं फ्री वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं उस एग्जाम रिलेटेड बुक्स आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट तो अनलिमिटेड मॉक टेस्ट जो है आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं गुड इवनिंग अक्षय पूजा जय हिंद चलिए बच्चों सबके सब बच्चों जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए क्लास स्टार्ट करेंगे नाइन्थ अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स जो है हम डिस्कस करेंगे कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है मेरे से पूछ सकते हैं एक बार कमेंट करके बताइए आप लोगों को ऑडियो एंड वीडियो क्रिस्टल क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है देन विल बी स्टार्टिंग विद दी क्लास हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस देखेंगे आज क्या क्या न्यूज हम कवर करेंगे सबसे पहली न्यूज रहने वाली है फ्रीडम ऑन दी नेट 2023 रिपोर्ट इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे सेकंड हेडलाइंस है आप लोगों के लिए फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कैरावान पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे रशिया प्लान्स टू तो पुल आउट ऑफ सीटीबीटी बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज रहने वाली है आज के सेशन में एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है फोर्थ जो इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडिया फिनिशेज दी नाइनटीन एशियन गेम्स विद रिकॉर्ड वन मेडल्स तो ये जो है अब इंपॉर्टेंट न्यूज बन चुकी है बिकॉज इंडिया ने जो है काफी रिकॉर्ड uh, जो है इसमें बनाए हैं इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ न्यूज़ देखेंगे इंडियन एयरफोर्स एंड इट्स न्यू फ्लैग ऑन 91st फर्स्ट फाउंडेशन डे इन प्रयागराज इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आपके एग्जाम में कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं जल्दी जल्दी एक बार भाई लाइक और शेयर जो है सेशन कर दीजिए और जल्दी से जल्दी सबके सब, सब लाइव आ जाइए सिक्स न्यूज रहने वाली है प्रोफेसर डॉक्टर जयता गुप्ता रिसीव दी स्पेनोजा प्राइज इन फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेवेंथ न्यूज रहने वाली है पीएम नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड दी कंट्रीज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर ये न्यूज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट रहेगी अफगानिस्तान डेडलीस्ट र्थ को एक नीयर्स लीव ओवर टू थाउजेंड डेड इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और जितनी न्यूज आज हम कवर करेंगे जहां पे मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा अपने नोट्स में ताकि आप लोगों के लिए लास्ट में जो है रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसान हो और लास्ट में रहेंगे आप लोगों के लिए क्या रहेंगे वो रहेंगे क्वेश्चंस तो ध्यान से जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्लास लगाइए और लास्ट में जो क्वेश्चन है आपको उनका आंसर जो है एकदम सही करना है लाइक और शेयर भाई सबके सब एक बार व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में कर दो भाई सेशन को एटलीस्ट जितने ज़्यादा हमारे पास पार्टिसिपेशन होगा उतना ज़्यादा जो है क्लास में मज़ा आएगा पहली करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स ध्यान दीजिएगा पहली न्यूज़ है फ्रीडम ऑन दी नेट 2023 रिपोर्ट ठीक है इसको आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट बाई फ्रीडम हाउस वॉशिंगटन डीसी बेस्ड नॉन प्रॉफिट ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम हैज डिक्लाइंड फॉर दिस थर्टींथ कंजर्गेटिव ईयर द एनवायरमेंट फॉर ह्यूमन राइट आउट ऑनलाइन हैज हैजरमाइंड इन ट्वेंटी नाइन कंट्रीज विद ओनली ट्वेंटी कंट्रीज रजिस्टरिंग दी नेट गेंस तो एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है आपसे कि भाई ये जो रिपोर्ट है फ्रीडम ऑन दी नेट 2023 रिपोर्ट जो है इसको रिलीज किसने किया है ठीक है तो आपको ध्यान रखना एक फ्रीडम हाउस है वॉशिंगटन डीसी बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम रिपोर्ट जो है इन्होंने रिलीज करी है जिसमें कि एक तरीके से डिक्लाइन जो है थर्टींथ कॉन्सिकटिव टाइम में कंट्रीज का रहा है दिस इज दर्टींथ एडिशन ऑफ द एनुअल ह्यूमन राइट इंटरनेट सर्वे कवरिंग डेवलपमेंट बिटवीन जून 2022 टू टू मे तो ह्यूमन राइट्स के अगर कंडीशन में हम बात करें तो कंट्रीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है ये आपको ध्यान रखना है और इस रिपोर्ट में क्या चीज़ एसेस होती है ये आपको मालूम होनी चाहिए इस रिपोर्ट में जो चीज़ें एसेस होती है इट एसेज द इंटरनेट फ्रीडम इन 70 कंट्रीज विच अकाउंट फॉर 88 एट परसेंट ऑफ वर्ल्ड इंटरनेट यूजर्स अब भारत में कैसा है, क्या है भाई इंटरनेट में कई जगह पे जो है बिल्कुल बैन है सबको मालूम होगा उस चीज़ के बारे में डेल्ट वेबसाइट्स वगैरह बैन है उसके अलावा अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें जैसे अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में क्या है चाइना में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा जो है बैन है तो इसी इन, इन चीज़ों को एसेस करके जो है ये इंटरनेट फ्रीडम रिपोर्ट जो है बेसिकली रिलीज़ करी जाती कि, कि किस किस कंट्री में किस हद तक जो है इंटरनेट अवेलेबल है अब नॉर्थ कोरिया की अगर आप बात करें तो वहां पर इंटरनेट बहुत ही लिमिटेड है इनफैक्ट अवेलेबल ही नहीं है कई कई जगह में तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है द रिपोर्ट रैंक्स कंट्री यूजिंग फाइव मेथड्स ऑफ सेंसरशिप रेस्ट्रिक्शन ऑफ इंटरनेट एक्सेस ब्लॉकिंग ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉकिंग ऑफ वेबसाइट ब्लॉकिंग ऑफ बीपीएन नेटवर्कस एंड पोस्ट रिमूवल ऑफ दी कंटेंट जैसे मैंने अभी आपको बताया तो पहली न्यूज क्रिस्टल क्लियर हो गई सबको समझ आ गई भाई कि पहली न्यूज के की आपको क्या क्या ध्यान रखने हैं फ्रीडम हाउस एक यूएस बेस्ड वॉशिंगटन डीसी बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये रिपोर्ट रिलीज करती है फ्रीडम ऑन इंटरनेट या फिर फ्रीडम ऑन नेट 2023 किस बेसिस पे इसको एसेस किया जाता है कि किस किस कंट्रीज में 70 कंट्रीज जो बेसिकली एसेस करी जाती है किस कंट्रीज में जो है इंटरनेट किस हद तक जो है अवेलेबल है ठीक है यूजर को कि यूजर के लिए कौन कौन सी वेबसाइट्स अवेलेबल है यूजर के लिए कौन कौन सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है अवेलेबल है वीपीएन नेटवर्क किस हद तक उसमें यूज करे जा सकते हैं तो इनके बेसिस पे जो है एसेस करके ये रिपोर्ट रिलीज़ करी जाती है की फाइंडिंग्स अगर देखी जाए तो ऑनलाइन ह्यूमन राइट्स हैव इन 29 कंट्रीज कंट्रीज विद ओनली 20 हैजिस्टरिंग दी नेट गेन्स चाइना इज वर्ल्ड वर्स्ट नाइन स्ट्रेट इयर्स फॉलोड बाय म्यांमार तो आप देख सकते हैं भाई चाइना में जो है जो दिखाया जाता है जो होता है वो पॉसिबल जो है हमें दिखता नहीं है इंटीरियर चाइना में कुछ और ही चीज़ें चल रही होती है तो चाइना ने जो है सबसे ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्म जो है इस इंटरनेट रिपोर्ट में करा है ये आपको ध्यान रखना है उसके साथ साथ ईरान की अगर बात करी जाए ईरान विटनेसेस दी शार्पेस्ट राइज इन दी डिजिटल रिप्रेशन तो ईरान ने जो अच्छा परफॉर्म किया है बट एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि वर्स्ट कंट्री कौन सी है जिसने इंटरनेट फ्रीडम में जो है परफॉर्म किया है तो चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे आपको ध्यान रखना है चाइना ने जो है सबसे ज्यादा वर्स्ट परफॉर्म किया है इंडिया की अगर बात करी जाए और इसके अलावा वन टू टेन वेयर हंड्रेड रिप्रेजेंट दाइस्ट लेवल ऑफ डिजिटल फ्रीडम वन रिप्रेजेंट दर्स्ट रिप्रेशन इंडिया स्कोर्ड 50 पॉइंट्स वाइल आइसलैंड स्कोर्ड 94 पॉइंट्स तो so, ये भी आपको ध्यान रखना है आइसलैंड ने अगर देखा जाए डिजिटल रिप्रेशन की अगर बात करी जाए तो भारत ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है 50 ऑन द स्केल ऑफ 100 जो है 50 परफॉर्म रैंक uh, जो है इंडिया को मिला है लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है आइसलैंड ने तो ये आपको ध्यान रखना है इंडिया वॉज ऑल्सो अमंग द कंट्रीज दैट डेलिबरेटली ब्रॉकड वेबसाइट विद पॉलिटिकल सोशल एंड रिलीजियस कंटेंट तो ये सबको मालूम है इंडिया में भी जो है कई वेबसाइट्स जो पॉलिटिकल एजेंडा चलाती है या फिर सोशल एजेंडा चलाती है रिलीजियस चीज़ें चलाती है उनको भी इंडिया में बैन किया गया है प्लस अदर वेबसाइट्स भी जो है भारत के अंदर बैन है ठीक है तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है पहली न्यूज क्लिस्टल क्लियर है हाँ जी एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए पूजा अक्षय जितने लोग लाइव मौजू, मौजूद है भाई हाँ जी

मोर कैरावन पार्क एट पोनुमुडी इन तिरुवनंतपुरम एंड बॉलगट्टी पैलेस इन कोची तो देखो आपको चीजें ध्यान में क्या रखनी है केरला में जो है अगर डायरेक्ट पूछा जाए केरला में जो है कैरावन पार्क जो है पब्लिक सेक्टर कैरावन पार्क सबसे पहले आ, पास करा गया है ये लगा अब देखो लगेगा कैरावन पार्क देखो भाई होता क्या है ये भी आपको मालूम होना चाहिए बेसिकली एक रिक्रिएशनल ये जगह है वेयर पीपल विद रिक्रिएशनल व्हीकल्स कैन स्टे ओवरनाइट और लॉन्गर इन अलॉटेड स्पेसेस नोन एज साइट और कैंपसाइट्स तो कैंपसाइट्स वहां पे रहेगी जहां पे जो है कैंपिंग करने के लिए आप लोग रुक सकते हैं इट विल बी डेवलप्ड अंडर सिनेमा टूरिज्म प्रोजेक्ट दैट सीक्स टू शोकेस प्राइम लोकेशंस टू अट्रैक्ट टूरिस्ट तो इसमें जो है किसके तहत जो है पूजा बहुत जल्दी जो है वो चीज भी स्टार्ट हो जाएगी इलस्ट्रेशंस के साथ विजुअल्स के साथ ठीक है वो चीज भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी लस्ट्रेशन के साथ ताकि आपको चीजें जो है आसानी से समझ आए अगर आपको कोई डाउट है तो आप अभी मेरे से पूछ सकते हैं चलिए गुड सो इट विल भी डेवलप्ड अंडर सिनेमा टूरिज्म प्रोजेक्ट दैट सीक्स टू शो केस प्राइम लोकेशंस टू अट्रैक्ट टूरिस्ट तो मेन मकसद क्या रहेगा केरावान पार्क का ताकि वो जो लोकेशन जो सरकार केरला की जो गवर्नमेंट है उसको बनाएगी वहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सके अलग अलग भारत से अलग अलग जगहों से जो भी टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर ओवर नाइट रुकते हैं अपने व्हीकल में और इन्जॉय अगर वहाँ करना चाहता है तो उनके लिए जो है ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए ठीक है अबाउट बेकाल फोर्ट अब ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए बेकाल फोर्ट जो है लार्जेस्ट फोर्ट इन केरला स्प्रेडिंग ओवर फोर्टी एकर्स तो ये कई बार क्या है इस तरीके भी तरीके के क्वेश्चन भी जो है आपके सी डी एस में एनडीए में एफकाट में पूछे जा सकते हैं कि भाई बेकाल फोर्ट जो है कहाँ पे मौजूद है ये आपको पता होना चाहिए कौन सा इलाका है ये ये एरा का जो है फोर्ट जो है बेसिकली आपको ध्यान रखना है शिवप्पा नायका ने जो है इसको बनाया है स्ट्रक्चर की बात करें फोर्ट अपीयर्स टू फ्रॉम सी ऑलमोस्ट थ्री क्वार्टर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंड इट्स कॉन्टैक्ट विद वाटर एन इंपॉर्टेंट फीचर इज दॉटर टैंक मैगजीन एंड द फ्लाइट ऑफ स्टेप लीडिंग टू ऑब्जर्वेशन टार एंड बिल्ड बाई टीपू सुल्तान ये पूरी चीजें देखो भाई आपको एक्सटर्नल है नॉट दैट मच important from एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको पता होना चाहिए बेकाल फोर्ट कहाँ पे है ये केरला में मौजूद है शिव नायका ने इसको 1650 फिफ्टी में बनाया है बेकाल में ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है कहाँ से एक एमर्ज फ्रॉम दी सी एरिया में जो है बेसिकली ये दिखता है इसको uh, एक तरीके से वहाँ पर क्या बनाया हुआ एक फीचर है वहाँ पर जो टीपू सुल्तान ने टावर बनाया उसको तरफ जो है लीड करता है और उसको बेसिकली एक टूरिज्म स्पॉट भी बनाया गया है इट्स सॉलिड कंस्ट्रक्शन दी था फोर्ट एंड सेंट एंजलो फोर्ट एट कनूर बिल्ट बाय डच तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसकी कंस्ट्रक्शन जो है रिजेंबल करती है थालासेरी फोर्ट टाइप का ही ये बेकाल फोर्ट बना हुआ है जो थालासेरी फोर्ट कहा है आपको ये ध्यान रखना है वो कनूर में मौजूद है ठीक है जो एक तरीके से बेकाल फोर्ट की तरह ही दिखता है अब ये चीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉरियर्स रेजिमेंट सीरीज जो आप लोगों के लिए सी और एनडीए के लिए बैच स्टार्ट है एम एप्लीकेशन के ऊपर प्लस YouTube पे आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं सी डी एस एन डी ए जितने भी एसपेरेंट्स टारगेट कर रहे हैं आप फ्री वीडियो लेक्चर्स फ्री लाइव बैचेस जो है हमारी एम बाईव एप्लीकेशन पर लगा सकते हैं पूरी चीजें आप लोगों के लिए उसमें कवर है इंग्लिश जोग्राफी जीएस करंट अफेयर्स मैथ्स एंड सब पार्ट्स ऑफ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तो इसको अगर अभी से आप लगाएंगे तो आपको हंड्रेड परसेंट जो है रिटर्न एग्जाम क्लियर होगा ठीक है चलिए एम बायू अपलीकेशन रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स अगर आपने ज्वाइन नहीं करे करें हैं, तो टेलीग्राम चैनल्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए क्लासेस की पी क्लासेस के लिंक्स और क्वेजेज रेगुलरली शेयर होते रहते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर रशिया प्लान्स टू पुल आउट ऑफ सी अब देखो भाई ये बहुत बार जो है कॉम्प्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो है इससे रशिया ने प्लान कर दिया है एग्जिट करने का तो ये आपके एग्जाम में भाई पूछा जा सकता है किस कंट्री ने जो है सी से एग्जिट करने का प्लान किया है या फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सी तो आपको ध्यान रखना है रशिया हैज रिसेंटली अनाउंस प्लान टू रिवोक इट्स रेटिफिकेशन ऑफ द कॉम्प्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट पैन ट्रीटी दिस डिसीजन कम्स आफ्टर रशियन प्रेजिडेंट व्लादिमिर पुटिन

कि भाई अगर यूनाइटेड स्टेट ने साइन किया है बट रेटिफाई नहीं किया है ट्रीटी को तो वो भी नहीं करेंगे वो भी इससे पुल आउट कर लेंगे उनका मेन मकसद जो है न्यूक्लियर टेस्ट को रिज्यूम करना नहीं रहेगा बट एक तरीके से यूएस के साथ आ, इक्वल के जो है वो इससे एग्जिट लेना चाहता है ये मेन मकसद जो है रशिया का इसमें रहेगा ये आपको ध्यान में रखना है क्लियर है सबको देखो भाई इंपॉर्टेंट की अवेज आपको ध्यान रखना है सीटीबीटी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है रशिया ने क्यों एग्जिट करने का प्लान किया है कौन सी कंट्री ने प्लान किया है इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं अब सी के बारे में जिनको मालूम नहीं है भाई प्लीज ध्यान रखिएगा एक सी टी बेसिकली क्या है कॉम्प्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो है इसकी फुल फॉर्म है ये बेसिकली एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जिसकी वजह से क्या है जितनी भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है बेसिकली भी हमारी सुपर पावर्स है उसको जो है बैन करती है ठीक है इट इज अ ट्रीटी दैट ऑल अल्टीलिटर एक्सप्लोजन मिलिट्री और पीसफुल पर्पज मतलब अगर आपने इसको साइन करके रखा है रेटिफाई करके रखा है तो आप अपनी देश के अंदर जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं कर सकते चाहे आपको मिलिट्री डेवलपमेंट के लिए उसको करना पड़े चाहे पीसफुल पर्पज के लिए करना पड़े तो न्यूक्लियर बैंड ट्रीटी जो है बेसिकली इसको बोला जाता है यह आपको बस ध्यान रखना है इससे ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है इसको रेटिफाई कर दिया है वो क्या है फिर अपने देश में जो है न्यूक्लियर पावर जो है न्यूक्लियर टेस्ट जो है नहीं टेस्ट कर सकता है एक्सप्लोजन नहीं कर सकता ये आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स विच की कंट्रीज ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट नोटेबली फॉर द ट्रीटी टू एंटर इन टू फोर्स इट मस्ट बी साइंड एंड रेटिफाइड बाई फोर्टी फोर स्पेसिफिक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होल्डर कंट्रीज एट आउट ऑफ विच हैव नॉट रेटिफाइड द अग्रीमेंट इंक्लूडिंग

तो यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें उन्होंने साइन करके रखा है दूसरी हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो उन्होंने साइन करके रखा है दे हैव ऑलरेडी यू नो उन्होंने टेस्ट जो टेस्ट है न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके हैं बट भारत हो गया या फिर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें जैसे चाइना हो गया इजिप्ट हो गया वी आर बेसिकली ऑन द राइज ऑफ डेवलपमेंट तो इसीलिए जो है भारत ने अभी तक इसको साइन ही नहीं किया है और बोला है कि हम बेसिकली टेस्ट करते रहेंगे चलिए आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स नेक्स्ट न्यूज की तरफ इंडिया 19th इन एशियन गेम्स विद अ रिकॉर्ड 107 मेडल्स ये आपके एग्जाम में भाई पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि भारत ने जो है कितने मेडल्स जो है एशिया गेम में जीते हैं या एशिया गेम कहां पे हुआ है तो ये आपको ध्यान रखना है रिकॉर्ड जो है भारत ने बनाया 107 मेडल्स जीते हैं उसके साथ साथ आपको ध्यान क्या रखना है इंडियन कंटिजेंट कई बार एग्जाम में ये नंबर भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार जो है भारत को कितने मेडल्स मिले हैं चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे 28 गोल्ड 38 एट सिल्वर फोर्टी वन ब्रॉन्स उनतीस गोल्ड 40 सिल्वर 50 ब्रॉन्स इस तरीके के आगे ऑप्शंस रह सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है 28 गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं 38 सिल्वर मेडल जीते हैं और टोटल 107 मेडल जो है भारत ने जीते हैं और नाइनटीन एशियन गेम में जो है एक तरीके से रिकॉर्ड जो है भारत ने बनाया है और ये एशियन गेम जो है पूजा बिल्कुल सही हॉन्जाउ चाइना में हुए है द फर्स्ट मेडल इन दी गेम केम टू इंडिया कर्टसी दी दिन मीटर एयर राइफल शूटिंग टीम ऑफ दिव्यांश पंवर पनवार रुद्राक्ष पाटिल एंड ऐश्वर्या प्रताप दे वन अ गोल्ड मेडल 106 मेडल वाज वन बाय मेंस चेस टीम व्हाइल 107th मेडल वाज वन बाय वुमेन्स चेस टीम ऑफ कोनेरू हम्पी वैशाली रमेश बाबू वंतिका अग्रवाल देखो ये नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको आपको सिर्फ ध्यान रखना 107 मेडल है जिसमें 28 गोल्ड है 38 सिल्वर है एंड 41 ब्रोंज मेडल है ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है उसके बाद आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स रिकॉर्ड सेट बाय इंडियंस एट हाउसाउ चाइना एथलेटिक्स तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है रिकॉर्ड किस किसने बनाया है विद्या रमा रामराज अविनाश सावले इन्होंने जो है रिकॉर्ड बनाया है और ये कुछ विजुअल्स आपको ध्यान में रखने हैं इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में सेव भी कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है बस से है, में क्या है? ऐसा बिल्कुल रेयर चांसेस है आपसे पूछने के भाई इस चीज में किसको मेडल मिला है उस चीज में किस चीज किसको मेडल मिला है तो आपको ध्यान में रखना है इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके सामने है ठीक है जैसे कि मनु बेकर है जिनको शूटिंग में गोल्ड मेडल मिला है नीरज चोपड़ा जो की प्लेयर है जिनको जैवलिन में गोल्ड मेडल मिला है तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है चाइना ने मेडल्स जीते हैं उसके बाद जापान है उसके बाद, बाद साउथ कोरिया है देन इंडिया है चलिए आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स ये आपको ध्यान रखनी है न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन एयरफोर्स अनवील्ड इट्स न्यू फ्लैग ऑन नाइन्टी फर्स्ट फाउंडेशन डे इन प्रयागराज आठ आठ अक्टूबर को जो है हमने इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया है इसी नाइंटी फर्स्ट फाउंडेशन डे प्रयागराज में जो है भारतीय वायुसेना ने जो है नया फ्लैग जो है नया ध्वज जो है बेसिकली अनवील किया है ये आपको ध्यान रखना है चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी अनवील्ड न्यू फ्लैग ऑफ इंडियन एयरफोर्स ड्यूरिंग दी नाइनटी फर्स्ट एयरफोर्स डे परेड इन प्रयागराज ऑन अक्टूबर एट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पे अनवील किया गया है किसने अनवील किया है कौन सा वाला फाउंडेशन डे जो है इस बार इंडियन एयरफोर्स ने सेलिब्रेट किया है इस ये वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं चीफ ये द न्यू फ्लैग ऑफ इंडियन हैज हैज बीन बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द द प्लेस ऑफ ऑफ फ्लैग अडॉप्टेड 72 इयर्स अगो थीम डे सेट इंडियन एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज प्लीज ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है थीम इस बार के एयरफोर्स डे का एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज जो है इस बार का एयरफोर्स का थीम था आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स फीचर ऑफ न्यू फ्लैग ऑफ एयरफोर्स की अगर हम बात करें

एटथ अक्टूबर थर्टी टू इट फ्लू फ्रॉम दी फर्स्ट टाइम ऑन फर्स्ट अप्रैल आर एफ ट्रेन ऑफिसर्स एंड नाइनटींथ सोल्जर्स वर प्रेजेंट इन दी फ्लाइट ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको बस ध्यान रखना है फ्लैग जो है कहाँ पे अनवील किया गया है किसने अनवील किया है अब करंट अफेयर्स की टेक अवे की बात करी जाए तो वॉरियर्स ये आपको ध्यान रखना है सीडीएस सीएपीएफ एनडीए के जो एग्जाम होते हैं इसमें आपके 9 से 12 महीने के करंट अफेयर्स आते हैं मोस्ट प्रॉब्ली 9 महीने के करंट अफेयर्स ही पूछे जाते हैं बट अगर हम सीएपीएफ की बात करें तो सीएपीएफ में एक साल के करंट अफेयर्स भी आपके पूछे जा सकते हैं ठीक है एफकाट की अगर हम बात करें तो एफकाट में जो है छः महीने के करंट अफेयर्स आपके आते हैं चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स प्रोफेसर डॉक्टर जोयेता गुप्ता रिसीव्स स्पिनोजा प्राइज इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज तो ये आपको ध्यान रखना है इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज स्पिनो जो है किसको दिया गया है डॉक्टर ज्वेता गुप्ता जी को जो है ये प्राइज दिया गया है प्लीज ध्यान रखिएगा द इंडियन ऑरिजिन प्रोफेसर डॉक्टर ज्वेता गुप्ता हैज रिसीव दिनोजा प्राइज दाइएस्ट डिस्टिंक्शन इन डच साइंस फॉर हर वर्क इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज सेरेमनी इन दीदरलैंड प्रेजेंटेड टू हर बाई नीदरलैंड ऑफ एजुकेशन साइंस एंड कल्चर रॉबर्ट एट दी हेग रिसमरी फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग दिस्ट्रीब्यूशनल चैलेंजेस पोस्ट बाई क्लाइमेट चेंज थ्रू इफेक्टिव गवर्नेंस ठीक है तो ये देखो आपको की अवेज क्या ध्यान रखने है? की स्पेनोजा प्राइज इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज किस को दिया गया है पहली चीज डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर जोयता गुप्ता जी को दिया गया है कहां पे दिया गया है नीदरलैंड्स में दिया गया है किसने दिया है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन साइंस एंड कल्चर रॉबर्ट डिक्राफ जी ने जो है इसको दी है नीदरलैंड में दिया है क्यों दिया गया है ये आपको ध्यान रखना है बिकॉज उनकी रिसर्च है जो प्राइमरि फोकस करती है अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग दी डिस्ट्रीब्यूशनल चैलेंजेस पोस्ड बाय क्लाइमेट चेंज थ्रू इफेक्टिव गवर्नेंस मतलब अगर हम गुड गवर्नेंस से क्लाइमेट चेंज को जो बेसिकली अगर डील करेंगे तो उस चीज को हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे तो इस तरीके से जो है चीजें आपको ध्यान रखनी है किसको दिया गया है कौन सा प्राइस दिया गया है कहाँ दिया है किसने दिया है क्यों दिया है ये चीजें अगर आपको बेसिकली याद है तो आपको जो है कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं होगी इससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें वॉरियर्स तो आपको ध्यान रखना है शी एम्फिस दी दैट क्लाइमेट चेंज कॉन्सिक्वेंस डायरेक्टली इंपैक्ट दी सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बिटवीन ए फ्लुएंट एंड अंडर एंडविलज कम्युनिटीज डॉ गुप्ताज रिसर्च ट्रांजेंट्स डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज बाई इंटीग्रेटिंग इन फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज इंट्रीग्रेट कनेक्शन बिटवीन क्लाइमेट क्राइसिस ग्लोबल वाटर चैलेंजेस पोटेंशियल सोल्यूशन एंड जस्टिस क्रिस्टल क्लियर आपको चीजें हो जाएगी इन्होंने काम चीज के टूर्ड्स किया है इन्होंने काम किया है क्लाइमेट क्राइसिस के टूवर्ड काम किया हुआ है ग्लोबल वाटर चैलेंजेस के टूवर्ड्स काम किया है इसलिए जो है इनको स्पिनोजा अवार्ड जो है दिया गया है दी हेक नीदरलैंड में क्लियर है सबको ये वाली न्यूज एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी शाहबाश्रीवन जितने लोग लाइव मौजूद है भाई कमेंट सेक्शन में मुझे पार्टिसिपेशन बहुत कम दिख रहा है सबका एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई भाई शाबाश पीयूष चलिए गुड वेरी गुड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको ध्यान रखनी है अब रखनीोजा प्राइज देखो भाई होता क्या है और इसके बारे में अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पिनोजा प्राइस तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है डच रिसर्च काउंसिल

साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू नॉलेजेशन जोता गुप्ताडम आप देखो भाई जोता जी जो है साइंटिस्ट भी है इनको जो प्राइज मनी मिली है अगेन जो है वो बेसिकली एनवायरमेंट के काम में ही समर्पित करके उसको उसमें लगाना चाहती है और इन्होंने जो है इनको स्पिनोजा प्राइज क्यों दिया गया है, वो मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वाटर सोल्यूशन के टुवर्ड्स जो है उन्होंने काम किया है जिसके लिए जो है इनको ये अवार्ड प्राइज दिया गया है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनग्रेटेड दी कंट्रीज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर तो ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है कंट्रीज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर जो है अनवील कर दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नेग्रेटेड दी कंट्रीज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन नेम्ड आफ्टर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है कहां पे किया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है ठीक है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनग्रेट कहां पे किया गया है भारत का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर किसके नाम पे उनको डेडिकेट किया गया है तो आपको ध्यान रखना है वो डेडिकेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को अनवील किया है हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहां कहा अनवील किया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में जो है इसको अनवील किया गया है इसका मेन एम क्या है ये आपको

ट्रेनिंग सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स इज अ स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी डेडिकेटेड टू ट्रेनिंग एंड नर्चरिंग एथलीट्स एंड डिसेबिलिटीज जैसा मैंने आपको बताया जितने भी दिव्यांगजन होते हैं जिनको डिसेबिलिटीज होती है उनको बेसिकली जो है ये प्रमोट करने के लिए जो है ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है ताकि वो अपने ड्रीम्स को बेसिकली कम ट्रू कर सके अगर उनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है किसी भी चीज में इंटरेस्ट है तो उनकी जो है वहां पर डेवलपमेंट करी जा सके क्लियर है सबको ये न्यूज जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए शाबाश पूजा अक्षय हां जी चलिए अगली न्यूज की तरफ पढ़ेंगे वॉरियर्स अफगानिस्तान डेडलीएस्ट इयर्स इन ईयर्स लीव्स ओवर 2000 डेड सबको इस चीज के बारे में मालूम होगा भाई इंस्टाग्राम में वायरल है हर जगह वायरल है ये चीज तो ज्यादा बेसिकली आपको इस चीज के बारे में मालूम होना चाहिए एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंट जो है डेडलिस्ट अर्थक्वेक जो है इनमें से कौन सी जगह पे आया है तो अफगानिस्तान जो है आपको ध्यान रखना है ये अगर हम कैटेगरी की बात करें तो प्लेस एंड न्यूज से बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपका बनता है मोर, मोर देन 2000 पीपल हैव किल्ड एंड ओवर इंजर्ड फॉलोइंग पावरफुल अर्थक्वेक इन अफगानिस्तान एज पर द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे द अर्थक्वेक हिट थर्टी फाइव किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सिटी तो एक कुछ है कि का जो है अर्थक्वेक अफगानिस्तान में आया था सेंटर की अगर हम बात करें तो के पास उसका था, 2000 इसमें डेड हुए है उसके साथ साथ 9000 से ज्यादा इंजर्ड हुए हैं ठीक है ये आपको ध्यान रखना है अब अर्थक्वेक के बारे में बिल्कुल सबको मालूम होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन एन अर्थक्वेक इज ऑफ द ग्राउंड कॉज बाय मूवमेंट अंडर दी अर्थ

स्टोर्ड अ प्लास्टिक स्ट्रेन एनर्जी इन दी सेमिक वेग जब भी बेसिकली अर्थ की जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है एक दूसरे के ऊपर चली जाती है टकराती है आपस में जमीन के अंदर तब जो है उसकी तरीके से जो वेव्स निकल के आती है उसकी वजह से जो है अर्थक्वेक कॉज होता है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दी स्प्रेड थ्रू दी अर्थ एंड कॉज इज दफ दी ग्राउंड जितने ज्यादा जोर से वो बेसिक वे टेक्टोनिक प्लेट्स टकराएंगी उतना ज़्यादा रिचर स्केल में जो है अर्थक्वेक की मात्रा रहेगी ये आपको भी ध्यान में रखना है ठीक है जैसा कि मैंने आपको बताया को जो है रिचर स्केल में नापा जाता है जीरो टू टेन ठीक है जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ज्यादा जो है उसकी बेसिकली उसका इंटेंसिटी उतनी ज्यादा रहेगी क्लियर है वॉरियर्स चलिए भाई एम्बाइव ब्लेंस जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया एम्बाइव ब्लेंस से जो है आप हर चीज को डिटेल एनालिसिस करके पढ़ सकते हैं जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अगर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन आपको एम्बाइव ब्लेंस में पढ़ना है तो आप बहुत ज्यादा ईजिली जो है उसको समझ पाएंगे तो इसको भी डेफिनेटली यूज करिए चलिए बात है रिविजन टाइम रिविजन करेंगे वॉरियर्स फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डिड इंडिया गेट द मैक्सिमम गोल्ड मेडल एट रिसेंटली कंक्लूडेड हाउजाउ एशियन गेम्स जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई सबसे ज्यादा मेडल जो है भारत को किसमें मिले हैं एवरी वन हांजी रेस्लिंग एथलेटिक्स या फिर शूटिंग अक्षय का बिल्कुल सही आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं शूटिंग एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का व्हाट इज द रीसेंट स्कोर ऑफ इंडिया इन द रीसेंटली ऑफ द नेट 2023 रिपोर्ट भारत के कितने पॉइंट्स मिले हैं अभी अभी मैंने आपको आज ही बताया है इसमें अगर हम बात करें सबसे ज्यादा अच्छा स्कोर जो है आइसलैंड का है सबसे ज्यादा वर्स्ट जो है परफॉर्म किया है चाइना ने भारत को कितने पॉइंट्स मिले हैं अगेन अक्षय का ही सही आंसर आया भाई सबके सब कमेंट करके बताइए शाबाश शाहबाजी जल्दी जितने भी लोग लाइव है कमेंट करके बताते चलिए बिल्कुल सही आंसर है फिफ्टी पॉइंट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर को जो है आपको बताना है इंडियन एयरफोर्स ने जो है अपना नया फ्लैग कहां पे अनवील किया है अक्षय अगेन करेक्ट आंसर है प्रयागराज आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल सही है नाइनटी फर्स्ट रेजिंग डे में जो है प्रयागराज में नया फ्लैग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे पूजा का भी बिल्कुल सही आंसर है अकॉर्डिंग टू रीसेंट न्यूज इज गोइंग टू बी केरला चलिए भाई केरला के किस फोर्ट में जो है पार्क बनाया जाएगा जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई सही आंसर क्या होगा सेंट एंजलो फोर्ट विलियम फोर्ट विकाल फोर्ट क्रांगनोर फोर्ट शाबाश भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए बिल्कुल सही आंसर है बेकाल फोर्ट जो है बिल्कुल सही है एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स ऑफ ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली टू रिवोक इट्स रेटिफिकेशन कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी किसने जो है रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो रिवोक करेंगे अपनी रेटिफिकेशन सी से न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो है जिसका नाम बेसिकली मैंने आपको बताया था अगर इसको आपने रेटिफाई किया हुआ है रेटिफाई किया है उसको आप बेसिकली रिवोक करने का बात इस कंट्री ने करी है ईरान साउथ कोरिया रशिया या फिर इजिप्ट व्हाट विल बी दी करेक्ट आंसर अक्षय पूजा एब्सोल्युटली करेक्ट रशिया ने जो है फैसला किया है कि इससे वो रिवोक करेंगे चलिए आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रोफेसर डॉक्टर जोयता गुप्ता रिसेंटली रिसीव्ड दिसा प्राइज इन फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज दिस प्राइज इज गिवन बाई विच कंट्री चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए शाबाश कौन सी कंट्री जो है इस प्राइस को देती है बहुत ज्यादा आसान बिल्कुल सही है अक्षय का नीदरलैंड और दिहेग में जो है इसको दिया गया है और क्यों दिया गया है बिल्कुल उन्होंने काफी अच्छा काम किया है क्लाइमेट फील्ड में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए शाबाश व्हाट विल बी द राइट आंसर असम उत्तराखंड मध्य प्रदेश या फिर केरला हां जी जल्दी, जल्दी 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 कमेंट करके बताइए भाई अक्षय जी पूजा कहां पे किया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश आप सल्यूटली करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश में जो है दिव्यांगजन का हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर रिलीज किया गया है तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आज का सेशन है डिफेंस रिलेटेड न्यूज इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड एंड ऑनर्स प्लेसेस एंड न्यूज पूरी कैटेगरीज जो है आज हमने कवर करी है तो इसको प्लीज एक बार रिवाइज जरूर करिएगा अच्छे से ताकि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आज के सेशन से बनता है तो आप लोग जो है उसको बेसिकली सही करके आओ एनडीए सी डी एस की जितने भी एस्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं रेजिमेंट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं एम के यूट्यूब चैनल पे प्लस साथ ही साथ एम के एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जो है आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा प्ले स्टोर गूगल प्ले स्टोर पर भी जाके जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन ए आई बेड लर्निंग के लिए हर चीज आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है आप एन नंबर ऑफ मॉक टेस्ट भी वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम रिलेटेड बुक्स भी आप लोगों को वहां पे मिल जाती है टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक्स मिल जाएंगे स्क्रीन के ऊपर भी आपको लिंक्स दिख रहे होंगे वॉरियर्स आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर पीडीएफ के लिए रेगुलर क्लासेस के लिंक्स के लिए और रेगुलर बेसिस क्विज जो सब्जेक्ट बेसिस पे आपको वहाँ पे शेयर करे जाते हैं तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास वॉरियर्स थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टिल द टाइम यू गाइस टेक केयर कीप एंबाइविंग बिकॉज़ एंबाइविंग इज बेटर देन लर्निंग जय हिंद एवरीवन कीप एंबाइविंग वी बिलीव इन